ये लीजिए मैम पार्सल। आ गए तुम इतना लेट? वो मैम मेरे पास ना गाड़ी भी नहीं है, मैं पैदल आया हूँ। तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी गलती है? तू लेट आया है तो। अरे मैम वो ना मेरी मजबूरी है, मेरी ना हाइट भी छोटी है तो मैं गाड़ी वगैरह नहीं चलाना जानता और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो इसलिए मैंने ना डिलीवरी का काम लिया है। हाँ तो मजबूरी तेरी है और ठंडा खाना मैं खाऊं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी गलती है ना, तो तू अपनी गलती मान। हाँ मैडम मैं ना अपनी गलती मानता हूँ। अरे मैम पैसे? किस चीज के पैसे? इस ठंडे खाने के पैसे दूं मैं तेरे को? वो ना आपके पार्सल का चार्ज ना 500 रुपए है और मेरी दिन की झाड़ी ना 200 रुपए है, तो मेरी ना सैलरी में से कट जाएंगे, मैं इतने कमाता भी नहीं हूँ, और आप पैसे नहीं दोगे ना तो मैं कहाँ से दूंगा उनको पैसे। हाँ तो मैं क्या करूँ, तेरी गलती है तो अपनी गलती का भुगतान ना तू खुद ही कर, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और अब ना दिमाग मत खा, जा यहाँ से। मैडम प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप ना पैसे कर दीजिए, आपको मालूम है कहाँ से भरूंगा मैं इतने सारे पैसे, मेरे घर पे ना माँ और छोटी छोटी बहन है और ना वो मेरी बहन की शादी भी है, मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी बहन की शादी करा सकूँ। मैडम कुछ मजबूरी समझो हमारी। ओए तुझे समझ में नहीं आता, एक बार में मैं तुझे इस खराब और ठंडे खाने के पैसे दूंगी? तुझे एक बार में समझ में नहीं आता, मैंने बोला ना बार बार ना यहाँ पे मेरा सर मत खा, अब चल जाए यहाँ से। मैडम एक बार मेरी मजबूरी समझिए। चल जाए यहाँ से, समझ में नहीं आता तुझे? अरे रुको सिका, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? एक तो ये मुझे इतना ठंडा खाना देके गया है, इतनी लेट आया डिलीवरी करने, तो और क्या करूँ, इस ठंडे खाने के पैसे दूँ मैं इसे? क्या ठंडा खाना लेकर आया है, इस ठंडे खाने के चक्कर में तुम इस बेचारे को धक्का मार रही हो? अरे भैया आप बताओ हुआ क्या है? वो साहब जी हमारी मजबूरी है, जो हम गाड़ी चलाना नहीं जानते और भगवान ने ना हमारी हाइट छोटी दी है, जो हम किसी का ना जॉब भी मांगने जाते हैं ना वो भी मना कर देता है, इसलिए हमने जो डिलीवरी का काम लिया है तो हमने लेट हो गए थे थोड़ा सा, तो हमने मैडम से बोला मैडम हमारी मजबूरी है, पर मैडम ने ना हमारे ऊपर ना रहम नहीं खाया, मैडम ने हमको धक्का मार के भगा दिया, क्योंकि मेरे घर पे ना दो बहन है और एक माँ है, कि कुछ टाइम पहले मेरे पिताजी गुजर चुके थे और ना उनकी देखभाल करने के लिए ना कोई भी नहीं है, मैं ही देखभाल करता हूँ, मैं ही अकेला लड़का हूँ उनका, और मेरी बहन की ना कुछ टाइम बाद ना शादी है, तो मैडम ने मेरे को पैसे नहीं दिए, मैडम ने बोला पैसे मैं नहीं दे रही, और 500 रुपये मैं अगर अपनी तरफ से भरता तो मैं, आपको पता है मेरी ना पूरे दिन की ना 200 रुपये झाड़ी है, कैसे भरता मैं मैडम के पैसे? अच्छा भैया ये बात है सिखा, ये सच बोल रहे हैं ना ये बात? हाँ ये सच है, तो मैं क्या करूँ, ये लेट आया है और मुझे ठंडा खाना दिया है इसने, तो क्या मैं इसे ठंडे खाने के पैसे दूँ? अरे तो क्या हुआ, अगर ये ठंडा खाना लेकर आया है तो इसका मतलब ये है कि तुम इसको पैसे नहीं दोगी? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने इसकी मजबूरी नहीं समझी, बेचारे घर में अकेला है, मेहनत करके 2 वक्त का पैसा कमाता है और उसके बावजूद भी तुम उसके 500 रुपए मार रही हो पूरे, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और तुम पे किस चीज की कमी है, अगर तुम उसको पैसे दे भी देती तो तुम्हारे खाने की तो पैसे थे और ठंडा हो गया था तो गर्म करके भी तो खा सकती थी, पर नहीं तुम्हें तो फ्री में खाना था ना, इस चक्कर में इस बेचारे की बेइज्जती कर रही थी तुम। पर रवि बस अपनी ना बकवास बंद करो, और भैया आपके जितने पैसे बनते हैं ना मैं आपको दूंगा, आप टेंशन मत लो, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इस तरीके की है, अगर पता होता ना तो मैं इससे कभी शादी भी नहीं करता। आपके कितने रुपए हैं? 500 रुपए? जी सर। मैं आपको आपके रुपए देता हूँ। ये लीजिए, और भैया आप ना ये भी रखिए मेरी तरफ से। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने आके ना हमारी मदद की, अगर आज आप ना होते ना तो जी मैडम ना हमको बेइज्जती करके ना ऐसे भगा देती, और मैं कहाँ से देता कंपनी वालों को पैसे, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं भैया, और हाँ इनकी तरफ से ना मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हो सके ना तो हमें माफ़ कर देना। अब भैया मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो, मैंने जो आपका इतना मजाक बनाया और आपके साथ इतना बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं आज के बाद ना किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगी, इसलिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, सॉरी। कोई बात नहीं है मैडम, हमारा तो काम ही यही है, पर आप लोग ना हमारी मजबूरियाँ भी समझ लिया करो थोड़ा, हम पूरे दिन मेहनत करते हैं। कोई बात नहीं मैडम, चलता हूँ मैं।